हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर, और नए हैं तो जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लेकर के आए हैं नए रेसिपी, आलू और चौलाई साग के हेट भाजी। तो हमने बिल्कुल ताज़ा चौलाई साग है, इसको चुन करके और अब पानी से धो के साफ़ कर लेंगे। दो तीन पानी से धोएंगे। बहुत ही अच्छा बनता है आलू को फेंट कर, आप चौलाई साग के साथ बनाइएगा आलू भाजी। और सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है चौलाई साग, यानी कि गेंदरी साग जिसको हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं डंठल है, बिल्कुल सॉफ्ट है, मुलायम, इसलिए हम इसको फेंके नहीं है। इसको भी टुकड़ा करके और इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें कई अनेक तरह के तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो सॉफ्ट था इसलिए नहीं फेंके हैं। साग को अच्छे से धो लिए हैं, हो सके तो एक पानी से और धोएंगे, क्योंकि खेत का होता है इसलिए अच्छा से साफ हो जाना चाहिए साग। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार सहयोग हमें ज़रूर दीजिएगा। अधिक से अधिक हमारे वीडियो का लाइक शेयर अपने दोस्तों फ्रेंडों तक कीजिएगा। इसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने धो करके रख लिया था, पानी निकल गया है, तब इसमें हम कुकर में डाल के पहले इसको एक से दो सीटी लगा लेंगे। बिल्कुल गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें आलू भाजी में छौंका लगाएंगे। तो आप दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए अंत तक, तभी तो जान पाइएगा कि हमने वीडियो में आपको क्या दिखाया है और क्या बनाया है, कैसे बनाया है। तो कुकर में हम अच्छी तरह से डाल दिए, अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और एक से दो सीटी, एक सीटी भी चलेगा, उसी में गल जाएगा ये। तो आप वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो इधर हमने चढ़ा दिया गैस पर, अब इसके लिए आगे का तैयारी करते हैं। तो हम एक आलू ले लिए हैं, क्योंकि गेंदी साग गल जाने पर तो थोड़ा हो जाएगा और आलू बड़ा है, इसलिए ज़्यादा आलू हमको नहीं डालना है। वैसे ही आलू डालेंगे, इसका छिलका हटा करके हमने काट लिया है मेही मेही से, न ज़्यादा मेही है न मोटा है, बस मीडियम कहिए। तो आप पानी से धो लेंगे, क्योंकि पानी पहले भी धोने के बाद जब आप आलू को काटते हैं तो धोना ज़रूरी हो जाता है। और इधर कढ़ाई अब हम गैस पर डाल लिए हैं, इसका पानी सोख गया, तब अब इसमें हम डालते हैं। और इधर ले लिया हमने एक बड़ा प्याज है, चार हरी मिर्ची है और लहसुन है, इसको हम बारीक काट लेंगे, लहसुन मिर्ची प्याज को। और कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें हम सरसों तेल डाल लेंगे। जब गर्म हो जाएगा तेल,
सब हम इसमें डालेंगे। राई का फोरन लगाएंगे जिसे साग में बहुत ही सुनहापन आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये राई है, सरसों पीला होता है, ये काला वाला राई है। और ये जब चटक गया राई तब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्की छोटी चम्मच से, बस बिल्कुल थोड़ा है जीरा। और इसके बाद हरी मिर्च डाल दिए, लहसुन डाल देंगे और 2 से 4 सेकेंड हम इसको फ्राई करेंगे लहसुन मिर्ची को। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, थोड़ा ब्राउन कलर के लहसुन जब हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को। और इसको भी उसी तरह फ्राई करेंगे प्याज, जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा गैस हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि मीडियम पर सब्जी अच्छा बनता है और न जलता है। तो बराबर चलाते रहेंगे, जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू को, क्योंकि आलू को भी तो फ्राई होना है। और अब आधा चम्मच हम छोटी चम्मच से डाल दिए हल्दी पाउडर है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चम्मच से 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। एक चम्मच है मिक्स पाउडर, जिसमें बराबर हम बोलते हैं जो जीरा धनिया काली मिर्च मिर्च गरम मसाला पाउडर सब कुछ मिक्स रहता है, तो अलग से हमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सब बिल्कुल सूखा पाउडर है, तो हम इसको फ्राई करते रहेंगे। और इधर
साग भी उबल गया है, तो देखिए कितना कम हो गया है और बहुत ही अच्छा से गल चुका है। डंठल भी पानी भी आ गया है निकल छूट करके, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी में हम डाल देंगे। तो अब हम साग को इसी में ऐड कर दिए। पानी से देखिए लगता है आलू भी पक जाएगा अच्छा से। आज तो गैस तो हम कम ही रखेंगे, तो धीरे धीरे आलू अच्छा से पक ही जाएगा। मिला दिए आलू और साग को, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है गिदरी के साग और आलू भाजी। अब इसको हम 15 से 20 मिनट तक ढक करके छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाए। पानी भी सूख गया है और आलू भी पक ही गया है, फिर भी हल्का है तो हम इसको बराबर चला करके सुखा लेंगे। जब अच्छी से पानी सूख जाएगा तब हम समझिए जी हमारा आलू और चौलाई साग के भाजी तैयार हो जाएगा। हमारा आलू पक ही गया है अच्छा से और साग तो उबला ही था, इसलिए इसको तो पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, देखना भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा तरह से गल चुका है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। अब साग तैयार हो चुका है तो अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। एक चम्मच घी डाल लिए, एक से डेढ़ चम्मच है क्योंकि जमा हुआ था, अभी मौसम ठीक था इसलिए। और ये जब गर्म हो गया है तब हम इसमें ऐड कर देंगे छोटी चम्मच से, एक चम्मच है जीरा और एक चम्मच राई भी हम डाल दिए हैं, और ये मिर्ची जो अब दोनों चटक गया अच्छा से, तब हम इसका साग में अच्छा से तड़का लगा लेंगे। तो हमारा साग बन करके तैयार हो गया है, पानी भी सूख चुका है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमारा आलू भाजी साग कैसा बना। हमको तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक